रेड सॉस पास्ता आया ना मुंह में पानी। बच्चों से लेके बड़ों तक सबका फेवरेट इटालियन फूड रेड सॉस पास्ता। तो गाइस आज हम बनाएंगे सबका मनपसंद रेड सॉस पास्ता। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो फटाफट से एक नज़र मारते हैं हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो गाइस इसमें मैंने लिया है 1 कप एल्बो पास्ता। आप इसमें कोई भी फॉर्म का पास्ता ले सकते हो, चाहे तो पेनी पास्ता चाहे स्पाइरल पास्ता, वो आपकी चॉइस है। हाफ इसमें मैंने प्याज लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं किया। 1 इसमें मैंने बेबी कॉर्न लिया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कितना आप इसमें तीखा खाना पसंद करते हैं। 2-4 क्लोव्स मैंने इसमें लहसुन की डाली हैं, इसको बारीक चॉप किया है। 1 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न रखा है मैंने इसमें। 1 टेबल स्पून पास्ता सॉस, पास्ता सॉस भी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट गाइस मैंने इसमें कम ही लिया है बिकॉज सॉसेज में हमारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 इसमें मैंने कैप्सिकम लिया है। कैप्सिकम गाइस मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करा, थोड़ा सा इसमें क्रंची टाइप, थोड़ा ताकि ये मुँह में आए तो अच्छा लगे। 2 मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी ली है। गाइस टमाटो प्यूरी आप रेडीमेड भी ले सकते हैं और घर पर भी इसको मिक्सी में पीस सकते हैं। 1 टेबल स्पून टमाटो केचप। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा पास्ता को बॉईल करना। गाइस आप जब भी पास्ता लें, चाहे आप किसी भी ब्रांड का लें, बैम्बिनो का लें, डेल मोंटे का लें या कोई भी इंपोर्टेड पास्ता लें, ये मैटर नहीं करता। द थिंग इज पास्ता को कितनी देर बॉईल करना है वो हर ब्रांड की एक अलग टाइमिंग होती है। जो मैंने पास्ता लिया है उसके पैकेट के पीछे 10 से 11 मिनट लिखा हुआ है, और ये भी मैटर नहीं करता हम कितना पास्ता बॉईल कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि हमको कितनी देर उसको टाइम ड्यूरेशन क्या है उसको बॉईल करने की। तो सबसे पहले मैंने इसमें पानी डाला है। पानी आप इतना डालना ताकि उसकी टाइमिंग के हिसाब से, जैसे मैंने जो पास्ता लिया है उसकी टाइमिंग है 10 से 11 मिनट, तो 10 मिनट तक ताकि वो पानी जो है पास्ता को सोक कर सके। तो पानी मेरा बॉयल हो चुका है, तो इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल इसलिए गाइस ताकि ये आपस में स्टिक ना कर सके। पानी बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें अपना पास्ता डालूंगी। इसको बीच बीच में स्टर करते रहना और इसको अब हम इसको ढक देते हैं। लेट्स सी गाइस हमारा पास्ता बॉयल हुआ है कि नहीं हुआ। पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है। गाइस इसको चेक करने का एक ही तरीका है, जैसे ऑल दांते आपने सुना होगा, पैकेट्स पे लिखा होता है ऑल दांते पास्ता। दैट मीन्स कि पास्ता जो है इतना सा स्लाइटली सा कच्चा उसमें होना चाहिए, ताकि जब भी हम उसको एक बाइट करें तो बहुत ज़्यादा वो सॉगी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा उसमें कच्चापन हम, या बहुत ज़्यादा हमें उसमें टाइटनेस नहीं आनी चाहिए। तो हल्का सा उसको जो कच्चापन है उसको हम ऑल दांते कहते हैं। तो पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है, अब हम इसको छान लेंगे। तो इस तरह हमने अपना पास्ता जो बॉईल किया हुआ है, इस तरह हमने अपने एक छन्नी में छान लिया। चाहे तो आप कैलेंडर में छान लीजिए, चाहे आप ऐसी कोई भी सूप की छन्नी हो उसमें छान लीजिए। तो गाइस ये देखिए पास्ता हमारा, ये देखिए हल्का सा इसमें ऑल दांते है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सॉगी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसमें कच्चापन भी नहीं लग रहा। तो अब बनाते हैं हम अपना टेस्टी टेस्टी रेड पास्ता। तो सबसे पहले हम अपना पैन गरम करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, चाहे ऑयलिव ऑयल चाहे रिफाइंड, कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसको गाइस बहुत ज़्यादा हम हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे और बहुत ज़्यादा स्लो पे भी नहीं, मीडियम गैस पे। तो सबसे पहले अब इसमें हम डालेंगे अपना चॉप किया हुआ अनियन, सॉरी गार्लिक। साथ ही हम अपना डाल देंगे अनियन। इसको हमने बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना, हल्का सा बस सॉटे करना है। ये ऑप्शनल है गाइस अनियन और गार्लिक, बिकॉज बहुत से लोग जो हैं वो अनियन गार्लिक नहीं खाते, बट जो इटालियन फूड है उसमें अनियन गार्लिक के बिना तो यार, ये तो आपको भी मालूम है, टेस्ट अच्छा आता ही नहीं है। हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने पे, पिंकिश टोन आने पे अब हम इसमें डालेंगे अपनी मनचाही वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स गाइस इसमें मैंने अपने हिसाब से डाली हैं, आप चाहे तो इसमें ब्रोकली या कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, कैरेट है, बीन्स हैं, कुछ भी। लेकिन रेड सॉस पास्ता में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं अच्छी लगती, तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी सारी वेजिटेबल्स। गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम वेजिटेबल्स डालें हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं करने, हमें इसे नॉर्मल अपनी इंडियन मील की तरह नहीं पकाना, बस हल्का सा हमें इसको क्रंची, ताकि हमारे मुँह में जब भी हम खाएँ क्रंची आए, इसमें क्रिस्पी लगे वेजिटेबल्स, और इसको सिम गैस पे ही पकाना है।
वेजिटेबल्स हमारी हल्की सी कुक हो चुकी हैं, अब हम इसमें डालेंगे अपनी टमाटो प्यूरी। टमाटो प्यूरी भी गाइस आप अपनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा सॉसेस, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला पास्ता नहीं अच्छा लगता, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप टमाटर और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इतने पास्ता के लिए इतने टमाटर सफिशेंट हैं। साथ ही हम इसमें अपनी दोनों सॉसेस डाल देंगे, जैसे कि टमाटो केचप, हम डालेंगे होता है हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपना बॉयल का, जब गैस मीडियम हो गई, ज्यादा कुक ना किए ये। पास्ता हमारा रेडी है गाइस, तो देखने में बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, और खाकर देखते हैं कैसा बना है। बिलीव मी गाइस, बहुत ज़्यादा यमी बना है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।